स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलो। माय नेम इज आकाश चक्रवर्ती और आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन के सीरीज में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन, जो जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए भी हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सॉर्टिंग, कैसे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड देन उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है मैकेनिज्म में। तो पहले तो रिएक्शन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रिएजेंट क्या लिया हुआ है। तो रिएजेंट यहाँ पे बोरेन है BH3 विद THF, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रिएजेंट क्या है, H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो अगर ये रिएजेंट है इट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट क्या लिया हुआ है, एल्कीन। यहाँ पे हमने एल्कीन। अब हमें क्या करना है, बेसिकली पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, H और OH ऐड कर, ठीक है। एंटी मार्गोनिका रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, H और OH ऐड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, हम फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएंगे हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया है और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद H और OH एंटी मार्गोनिका रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है। इट मीन्स OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने क्या किया है, OH यहाँ पे ऐड कर दिया है, H यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो ये एंटी मार्गोनिका रूल के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, H और OH हमें ऐड, सिंपल है। जैसे कि आप नेक्स्ट में देख सकते हो, ये भी एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है एल्कीन का। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, हमारा एल्कीन है। और वापस से रिएजेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट। कई कई जगह BH3 की जगह आपको B2H6 दे देंगे। तो BH3 B2H6 के डाइबोरिन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जिसमें बनाना बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, H और OH ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी मार्गोनिका रूल के, तो यहाँ पे देख लो फाइनल जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और H और OH ऐड करना है। OH कहाँ ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 डिग्री और 2 डिग्री, तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्रोपीन लिया है, प्रोपीन का B2H6। तो जैसे मैंने बताया BH3 B2H6 डाइबोरिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो BH3 हो या B2H6 हो इट मींस वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है। अब उसका अगर हमने B2H6 के साथ रिएक्शन कराया है देन हमें क्या मिल रहा है, ट्राई प्रोपाइल बोरॉन, ठीक है। अब ये कैसे बना, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बना है ये फाइनल प्रोडक्ट। तो वो मैं समझा देता हूँ वो कैसे बना है। तो यहाँ पे देखिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BH3 को BH2 एंड H। तो यहाँ होता क्या है, ये डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, ये इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इस पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, ये H यहाँ ब्रेक हो रहा होगा बॉन्ड और ये इस पे अटैक कर रहा होगा कार्बोकैटायन जहां जनरेट। तो अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 देन CH देन CH2 और उसके बाद ये BH2 और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया ये बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। फोर मेंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना है, और यहाँ पे कहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, और उसके बाद जो फाइनल ये प्रोडक्ट बन रहा होगा इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद, CH3 CH CH2 देन उसके बाद BH2 बन रहा होगा और यहाँ पे H बन। सिमिलरली वापस से ये जो है ये दूसरे एल्कीन से रिएक्शन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फाइनली जब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो फाइनल हमारा ये ट्राई अल्काइल
यानी कि ट्राइप्रोपाइल बोरॉन बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, H2O2 इन बेसिक मीडियम, इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ट्राइप्रोपॉक्सी बोरॉन मिलेगा, ठीक है। और ट्राइप्रोपॉक्सी बोरॉन को जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे देन हमें क्या मिलेगा, फाइनली एल्कोहल मिलता है और साथ ही साथ बोरिक एसिड। तो आज हमने हाइड्रोबोरिक ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट सीखा, सॉर्टिक और दोनों मैकेनिज्म भी हमने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर।